आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव चतुरपुर रायबनंगला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 2 किलोमीटर है। इस गांव की कमान इसरार अहमद ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि लंबे समय से गांव की बागडोर इसी परिवार के हाथों में है। इनके अच्छे कार्यों के कारण ग्रामवासी इन्हें प्रधान चुनते चले आ रहे हैं। ग्राम प्रधान इसरार अहमद और सचिव पंकज कुमार बग्गा के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी इन्होंने ग्रामवासियों की राशन व पैसे देकर आर्थिक मदद भी की है। इनके कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। चार वर्षों में इन्होंने गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंदरकी के चतुरपुर रायबनंगला ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और लॉकडाउन के चलते भी किस तरह से गरीबों की मदद की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, जैसे कि 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं और आपने बताया कि काफी लंबे समय से आप ही के परिवार में प्रधानी चली आ रही है, तो क्या क्या विकास कार्य आपने अपने गाँव में कर पाए हैं? हमारे गाँव में पहले सड़कें बहुत 720 मीटर सीसी हमने समाजवादी सरकार ने जन क्या स्कीम करी थी वो ध्यान को नहीं आ रही है। जनेश्वर मिश्र में करवाई थी विधायक जी द्वारा। बाकी हमने टेंथ भिजवाई है और टेंथ हमने मेरे गांव में पूरी टेंथ है। खरंजे नाम का पूरी जगह नहीं है। सभी रास्ते पक्के हो गए हैं अभी भी हैं? टोटल रास्ते पक्के हैं, सिर्फ एक रास्ता जो नई आबादी को जाता है वो रह गया है। उसके लिए अगर पैसा आता है इस वक्त चलते हुए देश के हालात को देखते हुए, तो वो हम जो है उसे भी पूरा कराने में लगे हुए हैं। ओडीएफ हो गई और मेरे गांव का एक भी व्यक्ति खेत में शौच के लिए नहीं जाता है। आवास मिले हैं लोगों को? आवास हमारी मजबूरी है, आवास हमें मिले ही नहीं है। एक भी मेरी ग्राम पंचायत में मेरी प्रधानी के मौजूद चलते हुए एक भी आवास मुझे नहीं मिल पाया। परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? 115 आदमियों के नाम छाटकर हमने ब्लॉक द्वारा लिस्ट भेज दी गई है। अगर उसमें पैसा आता है तो बनाया जाएगा। कच्चे मकानों की समीक्षा करी गई थी जिले द्वारा, उसमें 19 नाम सेलेक्ट हुए हैं, उसकी कार्रवाई पूरी हो गई है। अब देखते हैं उसमें क्या पैसा मिलेगा या नहीं। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, आपके गांव में सभी लोगों को इसका इन सभी योजनाओं का लाभ मिला है। बिजली अच्छी मिली है, बिजली हमारी पहले बहुत खराब थी, व्यवस्था नई लाइनें बन गई हैं, केबल द्वारा नए ट्रांसफार्मर लगे हैं और अपना जैसे भी है कुछ पैसे लोगों ने डाले, कुछ पेड़ों के हुए वो बना दिया गया है। मतलब केवल गांव के लोगों के सहयोग से ही यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई? नहीं, करी गई है बस। अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल है करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। कोई परेशानी का सामना तो यहाँ मरीजों को? कुछ नहीं, हमने एक एम्बुलेंस कार ले रखी है और जो भी मरीज आता कार में बिठा अस्पताल छोड़वा देते हैं। वैसे तो वो चली रही है कार, 102-108 दिन चल रही है, उन दोनों व्यवस्था हो जाती है। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग हमने शमशान घाट की रखी थी, पंचायत भवन की रखी थी और भी एक गेट बनाना चाह रहे थे हम रोड के किनारे, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे ग्राम यहाँ है या नहीं। उसकी अनुमति हमें सरकार द्वारा नहीं मिली है गेट बनाने की। उसमें हमने अपनी जेब से भी पैसा, हमने ये कहा कि गेट हम अपनी जेब से पैसा लगा कर बनवा दें, उसमें भी सरकार ने अनुमति मतलब केवल बनाने के लिए आपको अनुमति नहीं मिली, आप खुद भी बनाना चाहते हैं? मेरे गांव में एक जगह है जो 2 खानदानों का जोड़ है, वहाँ आए दिन झगड़े होते रहते थे, हम बहुत परेशान थे। तो हमने SDM साहब से मशवरा करके, उस टाइम अब्दुल बासित नाम SDM साहब थे, उनसे हमने बात करी और कैमरे की हमें इजाज़त मिली। हमने अपने ग्राम पंचायत में CCTV कैमरे लगा रखे जहाँ झगड़े का जोड़ रहा। आज तक जिस दिन से कैमरे लगाए गए हैं वो कोई झगड़ा आज तक नहीं है। यानी इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी आपने अपने स्तर पर काफ़ी अच्छे से करवाई है।
अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है, गांव में ज़्यादातर लोगों ने थोड़ी सी ढिलाई ज़्यादा बरतनी शुरू कर दी है इसको लेकर, और जबकि कोरोना महामारी अभी पूरे चरम पे दिन प्रतिदिन बढ़ने पर है, इसमें आप अपने गाँव वालों को क्या कहना चाहेंगे? हमने अपने गांव वालों को सभी लोगों को एक जिला बैठक करके हमने लोग बुलाए, सभी मोहल्लों के पक्के भी बुलाए, और हमने ये कहा आप अपनी एहतियाती से काम कीजिए और बाहर के आदमी से कम मिलिए। हमने अपने गांव में जो फल फरूट या सब्जी बेचने वाले आते हैं उन्हें भी बैन लगा दिया, गांव में घुस कर कोई नहीं बेचेगा, गाँव के बाहर खड़े हो जाओ और ऐलान लगवा लो वहीं से ले लो। काफ़ी परेशानियां आई हुई सामने खाने को लेकर या काम को लेकर, तो इसमें आपका क्या योगदान है, किस तरह से लोगों को? मेरा गांव, मेरे जो ग्राम पंचायत है वो गरीबों की है, जमीन नहीं है, और इसमें बहुत छोटे परिवार और मजदूरी हैं जो लोग बाहर से आए थे, एक तो उन्हें वहाँ पैसा नहीं मिला खाने को नहीं मिला, एक यहाँ आके वो दिक्कत करे, तो मैंने अपने जो गरीब इस लायक हैं, जो गरीब हैं उन्हें राशन की व्यवस्था कराई, खाने पीने की, और जेब से पैसे भी दिए, अंदरूनी तौर से आर्थिक मदद करी गई है, नाम खोल दो तो आदमी थोड़ा झिझक कर भी है लेते हुए, लेकिन अंदरूनी तौर से मैंने बहुत सभी की करी है, जैसे बाहर से जो लोग आए हैं उनकी जांच वगैरह सब हुई, सब टोटल जांच मैंने ब्लॉक परिसर में जांच कराई गई थी, कोई पॉजिटिव केस नहीं, घर के यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं, और जितने भी लोग बाहर गए थे वो टोटल ग्राम पंचायत में आ चुके हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई हमारे यहाँ कर्मचारी है एक, हमने अलग से भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके तो हर में सफाई कराकर बढ़िया सफाई करा रखी है, दोनों ग्राम पंचायतों में बढ़िया सफाई कराती है, सैनिटाइजर कराया है और मास्क भी बांटे हैं, और व्यवस्था अभी ईद के मौके पर कम से कम 1.5 लाख रुपये का राशन मैंने ग्राम पंचायत में बांटा है अपनी ग्राम पंचायत अपनी तरफ से, ईद में कोई आदमी दुखी ना रहे इस वजह से। सरकारी बिल्डिंग में जैसे गांव में स्कूल के अलावा 12 घर, पंचायत भवन, ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन बारा घर, पंचायत घर या शमशान, ये दोनों में कुछ नहीं मिला। शमशान के लिए यहाँ से हिंदू समाज होगा गाँव में, हिंदू समाज है पूरा ग्राम पंचायत राजनगला, ग्राम पंचायत का दूसरा गाँव है राजनगला, पूरा टोटल ऐसी सुन्नी समाज का है, तो वो शमशान के लिए अंत्येष्टि स्थल के लिए अंत्येष्टि स्थल, जब उसमें शमशान घाट की जो जमीन है वो 26 बीघा, उसमें कुछ पेड़ थे, लोगों ने हमसे शुरू में ये बात कही कि भाई ये पेड़ कटवा दिए जाएं और हमारे यहाँ शमशान बना दिया जाए, तो ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा वो पेड़ बेचे गए बैठक करके, और वो पैसा ग्राम पंचायत लोगों को दे, हमने इसलिए गांव वालों को समझा दिया है, आज भी हम सुकून से हैं, हमारे गांव में कोई चीज़ खरीदी सरकार। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहां बातचीत की है, काफ़ी विकास पिछले बीते कई सालों में इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास यहां एक भी नहीं मिल पाया है, जबकि 115 गरीब परिवार यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। ओडीएफ ग्राम पंचायत हो चुकी है, कायाकल्प के अंतर्गत भी स्कूल में काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हुए मिशन कायाकल्प से पहले भी यहाँ प्रधान द्वारा स्कूल में काफ़ी हद तक काम करवाया जा चुका है, लॉकडाउन के चलते गरीबों की भी काफ़ी हद तक सहायता की गई है, आर्थिक रूप से भी राशन वितरण को लेकर भी त्यौहार के समय में भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ गरीबों को राशन और जो है आर्थिक सहायता ग्राम प्रधान द्वारा दी गई है। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर अपने स्तर पर करवाई गई है, सुरक्षा का जो यहाँ पर ध्यान है वो उन्होंने ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी गांव के लोगों के सहयोग के द्वारा यहाँ कैमरा वगैरह लगा करके किया गया है। इसके साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो यहाँ अभी भी कुछ समस्याएं बाकी हैं, जैसे बारात घर, पंचायत घर जो कि यहाँ अभी तक निर्मित नहीं है, शमशान घाट जो केवल गांव के लोगों के सहयोग से बना हुआ है जिसमें सरकार की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली, उसके लिए यहाँ प्रमुख रूप से मांग रखी गई है। अशर पने के साथ मनाजी टुडे बैठक।